कोई खोट नाल, कोई मेहनत नाल कमाए रोटी, किसे नू चैन दी नींद सवाए ते किसे नू रातां नू जगाए रोटी, पुत्तां नू मावां तो दूर लैके जाए रोटी, मुल्कां नाल मुल्कां नू लड़ाए रोटी, मसलियां चों मसला मसलाए रोटी, मसलाए रोटी मसलाए रोटी। दो पैणा दा वीर मैं ते मां दी अख दा तारा सी, जद मैं परदेसी होया सी ते रोया टब्बर सारा सी, जद ओदे पिंड तो मुड़िया सी ता खड़ी सी ओ वी मोड़ ते, मैथों मिलने दी हिम्मत ना होई, मैं दूरों ही हाथ जोड़ते, पर अज भी चेता फुल दानी अखा पर के खड़ी खलोती दा, जे ठेडी ना होवे कोई ना रोवे, ए मसला सारा रोटी दा, जे ठेडी ना होवे कोई ना रोवे, ए मसला सारा रोटी दा, ए मसला सारा रोटी दा। ए भुख भी कैसी चीज रब्बा, बंदे नू पढ़ने पा दिंदी, जे आ जावे किते आई ते राजे तो भीख मंगा दिंदी, ए दुनिया पजी फिर दिया जिंदगी च बड़िया थोड़ा ने, बंदा ते मुकदा मुक जांदा पर मुकदिया ना कदे लोड़ा ने, मजबूरी ऐसी चीज रब्बा बंदा रोल दिंदी आ चोटी दा, जे ठेडी ना होवे कोई ना रोवे, ए मसला सारा रोटी दा, जे ठेडी ना होवे कोई ना रोवे, ए मसला सारा रोटी दा, ए मसला सारा रोटी दा। आकाश बल सठे आला भी हाय दर्द दिलां दे लिखदा है, परदेसां तों वतना दा हुण लंबा पेंडा दिसदा है, गिल खास बनण लई छड़िया सी मेरा सोना देश पंजाबिया, पहला सुपना सी परदेसां दा हुण पिंड नू मुड़ना खाबिया, हुण कल्ले बैठे सोचदियां की करना शान बनोटी दा। मैं श्री राम युवा संस्था के साथ जुड़ा हूँ और मुझे बहुत खुशी है, मुझे शुरू से था कि मैं कुछ अच्छा करूँ लोगों के लिए, और श्री राम युवा संस्था ने मुझे मंच दिया कि मैं कुछ लोगों की सेवा करना चाहूँ, और आप सबसे भी यही निवेदन है कि आप भी लोगों की सेवा करें हमारी और संस्था में ज्वाइन करें हमारी। बताएंगे कैसा लगा आज हमारी टीम के साथ जुड़कर? हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने कोई अच्छा काम किया लोगों के लिए, और हमें हमारे दिल को बहुत खुशी हुई कि हम ऐसे ही अपनी टीम के साथ जुड़े हैं कि लोगों के लिए कोई अच्छा काम करें। और कुछ सदस्य हमारे नए आए थे इस बार, उनसे भी मिलवा देते हैं हमको। ये हमारे सुनील जी हैं, ये इस बार अभी आज ही हमारे साथ आए हैं, काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, पर इनको भी आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और पीछे हमारे सुनील जी हैं, ये भी आज ही हमारे साथ आए हैं,
और जुड़े हुए काफ़ी दिन हो गए इनको हमारे साथ, और इनको भी आज जो है टीम की तरफ से सम्मानित किया गया है। उसके बाद हमारे साथ हरीश जी हैं, ये भी काफ़ी दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनको भी आज जो है वो यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो और जो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे तो दिन ब दिन हम उनको भी सम्मानित करते जाएंगे। तो आज जो हमारा संकल्प जो चलाया हुआ अभियान चलाया हुआ है हमने, क्योंकि तो गरीबों के बीच में जो हमने कपड़े इकट्ठे किए हुए थे वो आज बांटे थे, और आज भी बड़ा मन खुश हुआ हमारा पूरी टीम का। और ऐसे ही हमारे काम जो है वो चलते रहे, धार्मिक काम और सामाजिक कार्यकर्ता। तो और उसके बाद चलिए पूछ लेते हैं किसी को, एक आधे को, कि आज का क्या कार्यक्रम था यहाँ पे हमारे पास। श्री राम, आज जो हमारी श्री राम युवा संस्था जो यहाँ पे है लखनपुर के पास ही आई थी, जैसे कि आपने लाइव में पहले भी देख चुके होंगे कि हम लोगों ने आज भी काफ़ी कपड़े बांटे हैं। ये सब आप लोगों का सहयोग और प्यार है, आप लोग ही हमें जो कपड़े देते हैं, अपने पुराने कपड़े या अपने वो कपड़े जो आप लोगों को नहीं आते अब, तो वो कपड़े जो आप लोग हमें हमारी संस्था को देते हैं वो हम यहाँ पर बांटते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बार हमें योगदान दिया है इन कपड़ों के कार्यक्रम में, जैसे एक हमारे जो दानी सज्जन थे वो बरनोटी से थे, कुछ हमारे दानी सज्जन हमारे अपने गांव बुद्धि के थे, कुछ दो दानी सज्जन थे हमारे बड़ी ब्रह्मणा क्षेत्र के थे, कुछ जम्मू के, कुछ जो थे हमारे आरएसपुरा के थे। तो ऐसे बहुत सारे दानी सज्जन थे तो जिन्होंने हमें कपड़ों का दान दिया, और यहाँ तक नहीं, हमारी पूरी टीम कपड़े लेने के लिए स्पेशल जम्मू भी गई थी एक दिन, उसका भी लाइव आप लोग पीछे देख चुके हैं, साहिल जी ने उसका भी लाइव डाला था, एक वीडियो डाली थी उस ब्लॉग के ऊपर भी। तो हम लोग जम्मू गए थे, हमारी पूरी टीम जम्मू गई थी वो कपड़े लेने के लिए, वो कपड़े लाए और आज हमने फिर कपड़े यहाँ पे जो बांटे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा, दिल से खुशी होती है, दिल से खुशी मिलती है कि आप लोग हमें इतना प्यार इतना संजोग दे रहे हैं कि आपके इसी प्यार की वजह से हमारी संस्था आज इतनी ऊंचाइयों पे, इतनी बुलंदियों पे है। आप सबका आशीर्वाद हमारी पूरी संस्था पे बना रहे, तो मैं यही सबको मैं कहना चाहूँगा। लाइव होने का हमारा मकसद ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना चाहते हैं या हमें कोई प्रसिद्धि चाहिए, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप लोग ही हमारी संस्था के साथ जुड़ें, हमारी संस्था के साथ जुड़ के ऐसे कार्यक्रमों में हमारे हाथ बढ़ाएं और हमें अपने कपड़े जूते जो भी आपके पास ऐसी चीज़ हो जो देने लायक हो, कृपया ऐसे कपड़े या जूते ना दें जो फटे हुए हों, जो पहनने लायक भी ना रहे हों, तो जो देने लायक कपड़े हों, जूते हों, कोई भी चीज़ हो जो आप दान करना चाहते हो, हमारी संस्था के साथ संपर्क करें। संपर्क के जो करने का जो जरिया है, जो फ़ोन नंबर है, वो आपको वीडियो के लास्ट में दे दिए जाएंगे। हमारे पेज पे श्री राम युवा संस्था नाम का पेज है, वहाँ पे हमारा पूरा संपर्क सूत्र पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से हमें संपर्क कर सकते हैं। यही कहते हुए मैं अपनी